रहीम, वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज आलम बसरा। ऑटोकैड में हमारा आज का टॉपिक है ऑफसेट कमांड। तो आज इस सिलसिले में हम ऑब्जेक्ट्स को ऑफसेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये एक लाइन ड्रा कर लें, या आपको सर्कल ड्रा कर लें। रेक्टेंगल ड्रा कर लें। अर्थ को डाउन करें। अच्छा, ये ऊपर मेन्यू पे जाएं। ये मेन मेन्यू, ये देखें, ये जो है ये ऑफसेट कमांड है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लगाने के लिए, कर्व भी इसमें हो सकता है। जिस पे क्लिक करें तो नीचे आ जाएगा, यह कमांड लाइन में ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस थ्रू रेज डेयर इटीसी। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है थ्रू होता है। थ्रू का मतलब यह है कि कोई भी डिस्टेंस के बगैर आपने इसको रफली यूज करना है, मतलब अंदाजे से या इस तरीके से आपने इसको कोई भी ऑफसेट करना है बगैर डिस्टेंस देने के। ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो ये थ्रू ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये नीचे थ्रू है, ये ऑन है। ठीक है, एंटर करें। यूं ही आप एंटर करते हैं तो ये बॉक्स बन जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको पकड़े किसी भी साइड पे, जहां आप आपको दिल चाहता है इसको ऑफसेट कर लें। ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे जैसे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको पकड़ें, यहाँ पे कर सकते हैं, इसको पकड़ें, ये देखें यहाँ पे आप छोटा ऑफसेट कर सकते हैं, इसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। बाहर की तरफ करना चाहेंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्रू का ऑप्शन जो है इस्तेमाल होता है कि आपको रफली आप जहां आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वैसे अच्छा लगता है, आप वहां पे जो फिट आता है वहां पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ड्रा कर लें। ठीक है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ड्रा करें, ऑर्थो ऑफ करें। तो इसको आप चेस में ये देखें, ये जो हमारी ट्रायंगल थी, ये रेक्टेंगल थी, ये पॉलीलाइन थी, तो लेकिन ये हमने चूंकि लाइन के साथ ड्रा किए तो इसके आपको अलग अलग से ड्रा करना पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें ऑफसेट करना पड़ेंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर आप बाद में इसको एक मॉड ट्रिम करके इसको करेंगे। ठीक है, और बाकी को आप डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप ऑफसेट कर सकते हैं जो लाइंस हैं। ये चूंकि लाइंस थी, एक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं था, जो ऑब्जेक्ट मुकम्मल है वो है ये वाला सर्कल, या ये रेक्टेंगल स्क्वायर। ठीक है, जो मुकम्मल ऑब्जेक्ट है आप उसको जब सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरे का पूरा मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह ये है, ये देखें, ये है,
तो ये तो है इसमें ऑफसेट कमांड थ्रू के ऑप्शन के साथ कि आप जहां आपको चीज की मतलब ऑफसेट की जरूरत महसूस होती है, समझते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, दोबारा इसको ड्रा कर लें और थोन करें, अंडू करके और थो ऑन करें। ठीक तो दोबारा जाएं ऑफसेट पे, ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखें, फर्ज करें आपने वॉल की थिकनेस देनी है 9 इंच। ठीक है, तो 9 लिखें। ठीक है, 9 इंच जब सेलेक्ट कर देंगे तो अब दोबारा सिलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है बॉक्स एक्टिव हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको क्योंकि स्केल बड़ी है, इसकी ज़ूम ज़्यादा है, तो इसलिए 9 इंच बड़ा है। ठीक है, वरना ये यहाँ पे इतना छोटा ही होगा, अगर इसे करेंगे तो ये छोटा ही होगा। दोबारा इसको देख लें, 9 इंच। अब ये देखेंगे जब तक ये आप इसको चेंज नहीं करते, ये इसका जो पहले से डिस्टेंस है वो दिया रहेगा। तो दोबारा इसका आपने डिस्टेंस लिखना है, फर्ज करें 1 इंच कर लें। ये देखें, अब 1 इंच के साथ जब तक आप चेंज नहीं करेंगे डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे आप इसकी लाइनें लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से लाइन लगानी है किसी जगह पे तो ये लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरफ को लगानी है तो इस तरफ को भी यहाँ लगा के, अभी देखें ऑफसेट कमांड में डिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, ये इस तरीके से जो डिस्टेंस है आप ऑफसेट कर सकते हैं लाइंस को। ठीक है, अगर आपने यहां से इसको क्लोज करना है तो यहां पे इसको ट्रिम ट्रिम को सिलेक्ट करें। ठीक है, आपने यहां से तो इस तरीके से आपका ये मेश बन गया। ठीक है, और यहाँ से आप इसका दोबारा लाइन वेट जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने अगर लाइन वेट रखना ज़्यादा कम ज़्यादा करना है तो लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा आप मज़ीद देख लें कि आपने जैसे हम वॉल बनाते हैं कोई भी, ठीक है, 4.5 इंच की वॉल हमने बनानी है, तो यहाँ से एक एक लाइन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ऑफसेट यहाँ से डिस्टेंस 4.5 इंच। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इंचेस के साथ ये इंच का निशान लगाना ज़रूरी नहीं, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे बगैर किसी कॉलम के कॉमे के तो वो इंच में ही जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लें, ये देखें, तो इस तरीके से ये आप एक डबल बनानी है तो डबल बनानी है। ठीक है, इनको आपस में फिलेट के साथ चैम्फर के साथ मिला दें। ठीक है, और इसको तो ये इसके इस तरीके से हम 9 इंच की वॉल के जो सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कोई और लाइन वेट इसका लाइन स्टाइल दे के यहाँ से सिलेक्ट कर लें।
तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दूसरी का देना है मैच प्रॉपर्टी से करके, तो इस तरीके से जो इसकी सेंटर लाइन बन जाएगी, इसका स्टाइल और इसका जो लाइन वेट है आप कम कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी चले जाए या थोड़ा मोटा आपको कोई चीज़ हल्का सा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफसेट कमांड जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल कमांड है कि जहाँ पे आपको बार बार ये लाइन का मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह ड्रा करने की बजाय आप एक या दो लाइनें उसके बेस पॉइंट की लगा के उसी के साथ आगे जितनी आपको ज़रूरत है 10 फुट 12 फुट का, ठीक है 10 फुट सर लगाएंगे तो ये 10 फुट आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, और यहाँ से नहीं, अगर आपने कोई कमरा बनाना है तो इस करें 10 बाई 10 का, तो जहाँ से आप एक लाइन इसको इस तरीके से ड्रा कर लें, फर्ज करें 10 12 का आपने बनाना है, एक तरफ को 10 है, इस तरफ को 12 बनाना है, पहले देखें ये 10 है, 10 12 कर लें, एंटर करें, इसको 10 साइड पे कर लें और दोबारा एंटर करें, तो यहाँ पे 12 लिख दें, तो ये इस तरीके से ये, और इनको ऑफसेट के साथ ये चैम्फर के साथ आप मिला लें, ये देखिए ट्रिम भी कर सकते हैं, जहाँ आप ट्रिम करना चाहते हैं ट्रिम कर लें जो आपको सूट करे उसके हिसाब से, और जहाँ से आप दोबारा जब इसको मजीद करना चाहें 9 इंच के बाहर लगाना चाहते हैं तो सबको 9 इंच बाहर ऑफसेट दे के इस तरीके से बाद में ट्रिम के साथ चैम्फर के साथ इसको मिला के तो इस तरीके से ये एक रूम की शक्ल बन जाएगी। यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हैं और डोर लगा सकते हैं, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको डिटेल से ऑफसेट कमांड यूज करना सिखाया कि आप किसी भी डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, सर्कल हो रेक्टेंगल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसको किसी भी फासले पे किसी डिस्टेंस पे ऑफसेट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, प्लीज लाइक अवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।